स्टीव स्मिथ की कप्तानी पर लगा 2 साल का प्रतिबंध भी रविवार को खत्म हो गया और वह फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालने के योग हो गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से सभी क्रिकेट गतिविधियां बंद हैं। दक्षिण अफ्रीका के 2018 के दौरे के दौरान केप टाउन में गेंद से छेड़छाड़ के चलते स्मिथ पर 1 साल का जबकि उनकी कप्तानी पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी, तब उनकी कप्तानी पर लगा प्रतिबंध भी हट गया। अब उनके साथ डेविड वॉर्नर 1 साल और कैमरन बैनक्रॉफ्ट 9 महीने को भी सजा मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को न्यूजीलैंड में सीरीज खत्म होने के बाद आईपीएल में भाग लेना था, लेकिन अभी इसके आयोजन पर चीजें स्पष्ट नहीं हुई है और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड और बांग्लादेश के दौरे पर भी बदल छाए हुए हैं। आईपीएल को फिलहाल 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स ने भी पिछले साल कप्तानी से हटा दिया था। हालांकि क्रिकेट बहाल होने पर स्मिथ की कप्तानी बनने की संभावनाएं कम है। टीम पेन ने टेस्ट कप्तान और एरन फिंच ने सीमित ओवर के कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। स्मिथ क्रिकेट ब्रेक के दौरान खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए घर में जिम करने के अलावा 10 किलोमीटर दौड़ भी लगा रहे हैं और गिटार भी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आईपीएल होने वाला है। अगर आईपीएल होता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो दुनिया में बहुत सी चीजें रहेंगी, इसलिए अपना पूरा ध्यान खेल पर रखूंगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।